हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रियांश दुबे और आप देख रहे हैं पिनेकल केयर इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसीज की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंप्लीमेंट की गई, और ये पर्टिकुलर नहीं है कि ये मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इंप्लीमेंट करी गई या उससे पहले इंप्लीमेंट करी गई। ये पूरी की पूरी वो पॉलिसीज हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इंप्लीमेंट करी गई। तो हम बात करेंगे ओवरऑल पूरी की पूरी पॉलिसीज की जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन पर्पज के लिए। सबसे पहले अगर किसी पॉलिसी की बात करें तो ये पॉलिसी का नाम आपको जानना जरूरी है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं अन्नपूर्णा योजना। क्या बोला जाता है इसको? अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा योजना क्यों ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉलिसी है? अन्नपूर्णा योजना की अगर हम बात करें तो इसका आरंभ हुआ 2 अक्टूबर 2000 को। और कहां से इसकी शुरुआत हुई? इसकी शुरुआत हुई गाजियाबाद से अन्नपूर्णा योजना की शुरुआत हुई। और गाजियाबाद का जो ग्राम था, इस ग्राम का नाम था सिखोड़ा ग्राम। और इस योजना का उद्देश्य क्या था कि पूरे के पूरे देश के जो अत्यंत निर्धन वृद्ध हैं उनके लिए रोटी की व्यवस्था करना। तो ओवरऑल जो वृद्ध जनों थे, मतलब भारत के जो वृद्ध जन है उनके लिए खाने की पर्याप्त व्यवस्था करना इस योजना का उद्देश्य था। अगर हम अगली योजना की बात करें तो अगली योजना कौन सी है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना जो योजना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसकी शुरुआत कब हुई? तो ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना आई थी, ये आई थी 2013 में। कब आई थी? 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना आई थी। सन 2013 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसको इस योजना में अगर देखा जाए तो एग्जैक्ट डेट क्या थी? ये डेट थी 12 सितंबर 2013 को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी। इसमें अगर इस अधिनियम की बात करी जाए तो यह अधिनियम कुल जनसंख्या के लगभग 67%, ग्रामीण जनसंख्या के 75% और शहरी जनसंख्या के 50% लोगों को अनुदानित दर पर खाद्य, जो भी पूरे के पूरे फूड प्रोडक्ट रहते हैं उसको उपलब्ध कराना इसका लक्ष्य रखा गया था। अगर अगली योजना की बात करी जाए तो अगली योजना कौन सी इंपॉर्टेंट है? ये योजना है, इसकी अगर हम बात करें तो योजना आपको याद रखना है कि मिशन इंद्रधनुष। क्यों इसकी शुरुआत कब करी गई? तो मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत करी गई 25 सितंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत करी गई। और मिशन इंद्रधनुष का जो पूरे का मूल लक्ष्य था ये था बच्चों का टीकाकरण। इसके अलावा एकीकृत बाल विकास और सेवा स्कीम, एकीकृत बाल विकास और सेवा स्कीम, बाल विकास और सेवा स्कीम। तो एकीकृत और बाल विकास और सेवा स्कीम की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई 1975 में। और इसका जो वेली लक्ष्य था, इसका योजना का उद्देश्य था 6 वर्ष तक की उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य और उनके शरीर में जितने पोषण तत्व जा रहे हैं उनका ख्याल रखना, एकीकृत बाल विकास योजना। चलते हैं अगली योजना की तरफ। अगली योजना की अगर हम बात करें तो ये कौन सी थी? राष्ट्रीय बाल भवन योजना। राष्ट्रीय बाल भवन योजना। राष्ट्रीय बाल भवन योजना का आरंभ कब किया गया? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो राष्ट्रीय बाल भवन योजना का आरंभ किया गया 1956 में। और 1956 में बाल भवन योजना का आरंभ किया गया था। कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना की बात करी जाए तो ये स्टार्ट हुई थी 20 जुलाई 2004 को कस्तूरबा गांधी विद्यालय योजना स्टार्ट हुई थी। तो इस योजना के अंतर्गत सरकार ने देश भर में SC ST OBC और मुस्लिम समुदाय की लड़कियों के लिए कस्तूरबा गांधी बालक विद्यालयों की स्थापना करी थी। SC ST OBC और मुस्लिम समुदाय की जो लड़कियां हैं उनके लिए बालिका विद्यालय की ओपनिंग करी थी या इनकी शुरुआत करी थी। अगले की बात करें तो NRHM नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो NRHM की शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल 2005 को। और यह ग्रामीण क्षेत्रों में सरलता से पहुंच वाली वहनी और जवाबदाही स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए ये NRHM की स्कीम चालू करी गई थी। और इसके अंडर में बहुत सारे रिक्रूटमेंट भी हुए थे। अगर अगली स्कीम की बात करी जाए तो ये स्कीम थी साक्षर भारत अभियान की शुरुआत या साक्षर भारत मिशन की जो शुरुआत हुई थी ये कब हुई थी? सितंबर 2009 में साक्षर भारत मिशन की शुरुआत करी गई थी। और इसमें 7 करोड़
7 करोड़ तरुणों को साक्षर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। इसके अलावा अगर बात करें सर्व शिक्षा मिशन, अगर सर्व शिक्षा अभियान जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ पूरे ऑल इंडिया में, सर्व शिक्षा अभियान तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? तो सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी। और इसके अलावा एक और चीज, एक और प्लान इसी से संबंधित आया था, इसका नाम था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अधिनियम। ये प्लान कब से लागू किया गया था, ये डेटा आपको याद रखना काफी ज्यादा जरूरी है। तो ये स्टार्ट हुआ था 2009 में। कौन सा वर्ष था? 2009 में इस प्लान की स्टार्टिंग करी गई थी। ये चीज आपको याद रखना है कि 2009 में ये प्लान स्टार्ट हुआ था। तो ये टाइम कौन सा था? वर्ष 2009 में इस प्लान की स्टार्टिंग करी गई थी। चलते हैं अगली योजना की तरफ। अगली योजना कौन सी? स्वच्छ भारत मिशन। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी, डेट भी बहुत याद रखना है आपको। ये डेट है 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई थी। चलते हैं अगले मिशन की तरफ। अगले अगर मिशन की बात करी जाए तो वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती योजना, जिसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में बोले तो वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती योजना, इसको हम बोलते हैं बाम्बे। अगर इस योजना की शुरुआत की बात करी जाए तो इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? दिसंबर 2001 में इस योजना को शुरू किया गया। और इसका इस योजना का उद्देश्य क्या था? यह योजना गंदी बस्ती में रहने वाले को घर निर्माण और उसके अलावा उनको से रिलेटेड सामग्री उपलब्ध कराने के लिए ये योजना स्टार्ट करी गई थी। चलते हैं अगले प्लान की तरफ। अगर अगले प्लान की बात करी जाए तो एक योजना आई थी, इसका नाम रखा गया था ट्राइसेम। क्या प्लान था? ट्राइसेम। ट्राइसेम की शुरुआत कब से हुई? तो ट्राइसेम की शुरुआत जो हुई थी, ये हुई थी 1979 में ट्राइसेम की शुरुआत हुई थी। और इसके अलावा प्रधानमंत्री योजना रोजगार योजना की शुरुआत कब से हुई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत करी गई थी। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना की शुरुआत करी गई थी। इस योजना के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति स्वाभाविक रूप से या अगर कोई व्यक्ति किसी दुर्घटना में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके अंतर्गत उस मृत्यु जिस भी परिजन की मतलब उस उनके परिजनों को लगभग 2 लाख रुपए की राशि मुहैया कराई जाएगी गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा अगर हम अगली योजना की बात करें तो अगली योजना है अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब से हुई? तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत हुई थी 9 मई 2015 से। और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत इसके अंतर्गत पेंशन की मात्रा और एक पर्टिकुलर अवधि निर्धारित करी गई थी कि इसने अगर इस अवधि के बाद आपको इतनी पेंशन मिलने वाली है। तो 9 मई 2015 से ये योजना शुरुआत हुई थी, अटल पेंशन योजना। चलते हैं अगली योजना की तरफ। अगली योजना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो योजना आपको याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस योजना का नाम है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत हुई थी 25 सितंबर 2014 से दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा सांसद आदर्श ग्राम योजना के अकॉर्डिंग हमारे देश के जितने भी सांसद यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उन्होंने एक एक ग्राम को अडॉप्ट किया था और अडॉप्ट करने के बाद उस ग्राम के विकास से रिलेटेड उन्होंने जिम्मेदारी ली थी। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 11 अक्टूबर 2014 से सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत करी गई थी। चलते हैं अगली योजना की तरफ। अगली योजना की अगर बात करें तो अगली योजना थी सुकन्या समृद्धि योजना।
सुकन्या समृद्धि योजना के तहत बालिका मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का एक हिस्सा था, और इसमें 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के लिए जमा खाते खोले जा सकते थे, जिसमें न्यूनतम राशि 1,000 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए होगा, और इस पे 9.1% की ब्याज दर दी जा रही थी। तो ये कौन था? सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना। अगर आप 10,000 से लेके मतलब अगर आप स्टार्टिंग करते हो, अगर 1,000 से लेके अगर 1.5 लाख तक खाता खोलना चाहते हो अपनी बच्ची के नाम पे, तो इसके अंतर्गत गवर्नमेंट 9.1% का ब्याज देने तैयार थी। तो ये कौन सी योजना थी? सुकन्या समृद्धि योजना। और सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत कब से हुई? तो इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 से। 22 जनवरी 2015 से सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत करी गई। चलते हैं अगली योजना की तरफ। अगली योजना कौन सी थी? अगली योजना की अगर बात करी जाए तो ये थी प्रधानमंत्री जनधन योजना। प्रधानमंत्री जनधन योजना, जिसके अंतर्गत विश्व में सबसे ज्यादा खाते खोले गए। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब से हुई थी? तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई थी 28 अगस्त 2014 से। 28 अगस्त 2014 से प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत हुई, और ये पूरे के पूरे विश्व में रिकॉर्ड है कि इससे ज्यादा खाते कभी इतने बड़े पैमाने पर नहीं खोले गए जितने प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए थे। एक और जो स्कीम आई थी पूरे मोदी गवर्नमेंट की सबसे पहली स्कीम, जिसका नाम था डिजिटल इंडिया स्कीम, और डिजिटल इंडिया की स्कीम में इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो इसकी डिजिटल इंडिया स्कीम की शुरुआत हुई थी 21 अगस्त 2014 से डिजिटल इंडिया स्कीम की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा एक और जो योजना किसानों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस योजना का नाम क्या था? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। यानी कि कहां किस खेत की मिट्टी कैसी, उसके हिसाब से उसका स्वास्थ्य कार्ड डिजाइन होगा, और पूरे के पूरे से अगर बात करी जाए तो इसको एक बहुत ही डिसेंट वे में, अगर एक वैज्ञानिक तरीके से उस पूरी की पूरी फसल के ऊपर खेती करने की उम्मीद करी जा रही थी। तो ये कौन सी योजना थी? मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 19 फरवरी 2015 से। इसके अलावा अगर हम एक और चीज की बात करें तो स्मार्ट सिटी मिशन हुआ था स्टार्ट अपने इंडिया में, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 25 जून 2015 से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं थी जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में बहुत काम आ सकती हैं। और ये अगर हम बात करें तो मेनली हमने मोदी गवर्नमेंट की योजनाओं की बात करी, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिन योजनाओं को चालू किया, और इसके अलावा भी प्रीवियसली भी हमने बहुत सारी योजनाओं की बात करी जो योजनाएं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो पहले जो योजनाएं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जैसे एक और योजना रहेगी, भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत करी गई थी। भारत निर्माण कार्यक्रम की शुरुआत कब से करी गई थी? तो ये हुआ था, भारत निर्माण कार्यक्रम हुआ था 2005 और 2006 में। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट कार्यक्रम था, भारत निर्माण कार्यक्रम 2005-2006 में स्टार्ट किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं थी जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक केयर। और अगर आपको MBBS SSC के वगैरह की कोई बैच ज्वाइन करना है तो आप अभी ज्वाइन कर सकते हो, और आपको बैच ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी ब्रांचेस पर विजिट कर सकते हो, नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो 9039055453 या 9977167166। तो स्टे ट्यून, टेक केयर, मिलता हूं मैं आपसे अगले लेक्चर।